सभी गार्ड्स बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाकर चेक करें, किसी को भी अंदर आने ना दे। आई रिपीट, किसी को भी अंदर आने ना दे। R7 ब्लिंक कर रही है, मतलब जरूर कोई खतरा है। किको, तुम यहाँ? गुड मॉर्निंग अंकल, मेरी R7 ब्लिंक कर रही है, मुझे लगा शायद कोई खतरा है। ओरी मोरी मदर, ये अलार्म्स कौन बजा रहा है? अच्छा हुआ किको तुम आ गए। इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक गोल्डन नाइटिंगेल रखी है। कुछ चोर सिक्योरिटी गार्ड्स के यूनिफॉर्म में बिल्डिंग के अंदर घुस आए हैं और उस गोल्डन नाइटिंगेल को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तो कौन असली गार्ड है और कौन नकली, ये समझना वन वर्ड में है, इम्पॉसिबल। हाँ, लेकिन किको, हमें किसी भी कीमत पर उस गोल्डन नाइटिंगेल को प्रोटेक्ट करना होगा। डोंट वरी सिक्योरिटी गार्ड अंकल, उस गोल्डन नाइटिंगेल की जिम्मेदारी अब मेरी। संभल के किको, इस बिल्डिंग में बड़े हाई लेवल की सिक्योरिटी है। डोंट वरी अंकल, किको के लेवल को दो वर्ड में कहते हैं, टॉप लेवल। ये तो फिंगरप्रिंट से ऑपरेट होता है, लगता है किसी और तरीके से इस लिफ्ट का दरवाजा खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेयरकेस भी नहीं है। के लिए मुझे जंप और स्लाइड करके जाना होगा। ये तो 11,000 KV के लेजर बीम्स हैं, यानी जो इनसे टच भी हुआ उसे इलेक्ट्रिसिटी का जबरदस्त झटका लगेगा। बहुत संभाल के जाना होगा। ये तो मूवमेंट सेंसर है, थोड़ी सी हरकत होते ही मूव करने लगी। चीज इसी बॉक्स में होगी, इसे ले जाकर उस सिक्योरिटी ऑफिसर अंकल को दे देता हूँ, ताकि चोर इसे चुरा ना सके। ए, रुक जाओ वहीं पर। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, हमें इस चीज को गार्ड से बचाकर सही सलामत बिल्डिंग के बाहर ले जाना है। एक्टिवेट फॉर्मूला नंबर 137। ओके दोस्त, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 137। ये लीजिए अंकल, इसे किसी और सेफ जगह पर रख दीजिए। थैंक यू किको, चोरों के अटैक से इस गोल्डन नाइटिंगेल को बचाने के लिए थैंक यू। मैंने गोल्डन नाइटिंगेल सिक्योरिटी ऑफिसर को दे दिया, ताकि वो उसे कहीं सेफली रख दे। सिक्योरिटी ऑफिसर वो नहीं, मैं हूँ। वो हेलमेट था जो बॉक्स चोरी करने आया था, मुझे धोखे से पकड़ के कमरे में बंद कर दिया और मेरे कपड़े और वॉकी टॉकी लेके यहाँ आ गया। ओरी मोरी मदर,
शीश, उस गोल्डन नाइटिंगेल की कीमत क्रोर्स में है। बहुत सारे चोर उसके पीछे पड़े थे, इसलिए हमने उसे हाई सिक्योरिटी में यहाँ रखा हुआ था। मम्मी। और वन वर्ड में हेलमेटो ने कीको को चोरी के लिए कर लिया यूज। ये तो हमसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई कीको। नाम हेलमेटो, काम हेलमेट से पीटो। थैंक यू किको, वो गोल्डन नाइटिंगेल मेरे हवाले करने के लिए बहुत थैंक यू। पता है वो सिक्योरिटी क्रॉस करना मेरे लिए नामुमकिन था, इसीलिए मैंने जानबूझकर वो सायरन का बटन दबाया। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे और फिर मैं तुम्हें उल्लू बना के तुमसे वो गोल्डन नाइटिंगेल हासिल कर लूंगा। बॉस, यही मौका है। आप अपने मुक्के से हेलमेटो को पीछे से जाकर ढेर कर दो, देखना आप भी सनसिटी के हीरो बन जाओगे। किको और सुपर स्पीडो से भी ज्यादा बड़े हीरो। कभी कभी तुम दोनों बात तो काम की करते हो। टोनी बॉस पिटने वाले हैं, बड़ा मजा आएगा। नाम हेलमेटो, काम हेलमेट से पीटो। आम के अचार में खटाई है, टोनी बॉस की हुई पिटाई है। टोनी का मुक्का, हुड हुड हुक्का। हेलमेटो अंकल, आप वो गोल्डन नाइटिंगेल चुरा कर रॉन्ग कर रहे हैं, आप प्लीज उसे लौटा कर राइट काम कीजिए। किको, तुम सुपर हीरो हो पर मेरे जितने शातिर नहीं हो। अगर गोल्डन नाइटिंगेल लौटानी ही होती तो मैं उसे चुराता ही क्यों? एनीवे, मैं तुम्हें वापस आके थैंक यू बोलना चाहता था। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 45। ओके किको, इनिशिएटिंग फॉर्मूला 45। अब देखता हूँ कहाँ भागोगे हेलमेटो। ये बात है, हेलमेटो से होशियारी, देखो कैसे पड़ती है भारी। अब मैं नहीं बल्कि तुम भागोगे। किको, ये तो पीछे ही पड़ गया है। हेलमेटो की टक्कर बहुत ही पावरफुल है, मेरा सारा सिस्टम हिलने लगा है। सुपर स्पीडो, रोप को छोड़ दो। नाम हेलमेटो, काम हेलमेट से पीटो। को बचाओ और मैं चला। सुपर स्पीडो, हेलमेटो का पीछा छोड़ो, अभी हमें उन लोगों को बचाना है। हेलमेटो को बाद में पकड़ लेंगे। ओके किको। किको, जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक इस बिल्डिंग का लोड संभाल नहीं पाऊंगा। जल्दी से सबको दूर करो। मुरी मुरी मदर, कहीं सुपर स्पीडो बिल्डिंग के नीचे दब तो नहीं गया होगा। ओ सुपर स्पीडो, तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल फिट एंड फाइन एंड रेडी टू शाइन। हेलमेटो वन वर्ड में गया है, भाग। अयो किको, अब हम लोग उस हेलमेटो को कैसे पकड़ेगा जी?
बेटा, हेलमेटों से वो गोल्डन नाइटिंगेल वापस लेना बहुत जरूरी है, वरना लोग कहेंगे कि किको ने वो गोल्डन नाइटिंगेल खुद हेलमेटों को दे दिया। हाँ नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। दो वर्ड में कहूँ तो नेवर एवर। नेवर एवर से भी ज्यादा नेवर एवर। इतना ज्यादा जितनी ज्यादा मुझे भूख लगती है। बताए, एक बार मैंने ऐसे ही एक हेलमेट पहन के चोरी करने वाले की ऐसी पिटाई की थी, कि उसका हेलमेट गुब्बारे की तरह फूट गया। सच्ची में यार अंकल? और नहीं तो क्या, जो मैं झूठ बोलूं तो मेरे सिर पर हेलमेट्स की बारिश हो। चोर अगर पैसे के अलावा कोई चीज चुराता है तो वो उसे किसी और को बेच के पैसे बनाता है। इसका मतलब वो हेलमेट उस गोल्डन नाइटिंगेल को बेच देगा? हाँ, मुझे यकीन है कि वो ऐसा ही करेगा। पर इतनी महंगी चीज खरीदने वाला भी कोई बहुत अमीर इंसान होना चाहिए। सही कहा किको, और मुझे लगता है कि वो नाइटिंगेल गोल्ड की है तो हो ना हो कोई ज्वेलर ही उसे खरीदेगा। करेक्ट। सुपर स्पीडो, इंटरनेट से सन सिटी के सभी अमीर ज्वेलर्स की लिस्ट निकालो। अभी लो बड़ी। ये तो सन सिटी के टॉप 5 रिच ज्वेलर्स की लिस्ट है। इसका मतलब हमें इन पांचों पर नजर रखनी होगी। इनमें से कोई एक जैसे ही वो नाइटिंगेल खरीदने जाएगा, हम उसे तुरंत पकड़ लेंगे। दूध की कटोरी से मलाई निकाल कर झटपट के शेरू के मामा ने दही जमा दिया। मतलब? सर, पहली में कह रहे हैं कि रूबी नाम के एक ज्वेलर ने आज बैंक से 5 करोड़ रुपए निकाले हैं, और सर को खबर मिली है कि वो आज शाम एक बहुत बड़ी इलीगल डील करने वाला है। हाँ, ये देखो, ये रहा रूबी अंकल का नाम, लिस्ट में 2nd नंबर पर है। मुझे लगता है रूबी अंकल ही 5 करोड़ दे के हेलमेटों से वो गोल्डन नाइटिंगेल खरीदने वाले हैं। जो ऐसी बात है तो मैं अभी जाके मिस्टर रूबी को अरेस्ट कर लेता हूँ। नहीं झटपट अंकल, हमें रूबी अंकल के जरिए हेलमेटों को रंगे हाथ पकड़ना है। ओके। ये आप क्या कर रहे हैं झटपट अंकल? डील आज शाम को होने वाली है तो उन्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए अपने हाथ रंग रहा। मम्मी, आज किसी भी तरह वो गोल्डन नाइटिंगेल वापस दिलवा देना प्लीज। नाम हेलमेटो, काम हेलमेट से पीटो। सॉरी, गलत लैंडिंग हो गई। मेरी कार, तुम टेक के लैंड नहीं कर सकते। हेलमेटो के सामने आवाज ऊंची की। सॉरी सॉरी। दैट्स बेटर। मेरे पैसे लाए हो? और मेरी वो गोल्डन नाइटिंगेल? चोरी की चीज खरीदने और बेचने के जुर्म में आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। बच्चे, जिसके पास रफ्तार होती है वो गिरफ्तार नहीं किया जाता। नाम हेलमेटो, काम हेलमेट से पीटो। झटपट अंकल, इस वक्त आप उन पेड़ों के ऊपर से जा रहे हैं। हथकड़ी खोल के नीचे कूद जाइए, चोट नहीं लगेगी। वाह सर, क्या जंप मारी है। नोट पैड में नोट कर लेता हूँ। तुम लोगों की इतनी मजाल, तुमने मेरे पैसे लुटा दिए। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। किको, ये हेलमेटो तो अंधाधुन लेजर बुलेट चला रहा है, कुछ करना पड़ेगा। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 78।
ग्रेट आइडिया किको, अभी फॉर्मूला 78 लगा के हेलमेटों की गोलियां बरसाते हेलमेट को चुप कराता हूँ। तुम मेरी गोलियों को चुप करा सकते हो पर मुझे नहीं। किको, तुम खुद को सन सिटी का रखवाला समझते हो ना, तो ठीक है, अब सन सिटी को मेरे कहर से बचा कर दिखाओ। तुमने मेरा सारा पैसा हवा में उड़ा दिया, अब देखो मैं कैसे तुम्हारी सन सिटी को धूल में मिलाता हूँ। नाम हेलमेटो, काम हेलमेट से पीटो। सुपर स्पीडो, तुम फॉर्मूला नंबर 45 लगा के लोगों को बचाओ, तब तक मैं हेलमेटों को रोकता हूँ। ओके किको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 45। हेलमेटो, मैं तुमसे अब भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम इस तबाही को रोक दो, वरना मजबूरी में मुझे तुमसे फाइट करना पड़ेगा। तुम मुझसे फाइट करोगे? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मच्छर शेर को चैलेंज कर रहा हो। चलो, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। किको, तुम्हें बच्चा समझकर मैंने बहुत डिस्काउंट दे दिया, लेकिन अब नहीं, अब मैं अपनी इस थ्रिल से अपनी बेइज्जती की पूरी कीमत वसूल करूंगा। नाम हेलमेटो, काम हेलमेट से पीटो। थैंक यू सुपर स्पीडो, हमें हेलमेटों को रोकने के लिए कोई ना कोई आइडिया जल्दी सोचना होगा, नहीं तो। किको, हेलमेटों की टक्कर की वजह से मेरा इंजन जाम हो गया है, पिस्टन मूव नहीं कर रहे हैं और मैं भी हिल नहीं पा रहा हूँ, कुछ करो। किको, तुम्हारी मदद तो तब करेगा ना जब मैं इसे मदद करने लायक छोड़ूंगा। काम हेलमेटो, काम हेलमेट से पीटो। अब तुम यहाँ से सुपर स्पीडो की बर्बादी का नजारा देखो, एक बार उससे निपट लूं, फिर तुम्हें देखता हूँ। अब देखना, मैं तुम्हारे अंदर इतना बड़ा छेद करूंगा कि तुम कभी रिपेयर नहीं हो पाओगे। ये ड्रिल बिट अगर मेरे आर पार हो गया तो सच में मेरा रिपेयर होना मुश्किल है। किको, कुछ करो। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 68 लगाओ। ओके किको, इनिशिएटिंग फॉर्मूला 68। अब लगता है मेरी ओके के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। सुपर स्पीडो, तुम ठीक तो हो ना? ऑल वेल ब्रो, बस रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगेगा।
झाड़ू को देख के मक्खी भाग गई, सोया दोपहर तो रात की नींद गई। मतलब सर पहले में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। ये लीजिए अंकल, ये रही आपकी गोल्डन नाइटिंगेल। मैंने इसे वापस लौटा के अपना प्रॉमिस पूरा किया। थैंक यू किको। वैसे हमें पूरा यकीन था कि तुम्हारे और सुपर स्पीडो के रहते कोई भी चोर लुटेरा सन सिटी में किसी की चप्पल तक नहीं चुरा सकता। Subscribe to Sony A for more such fun videos.